नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञानेन्द्रनाथ तिवारी, सह आचार्य MIT विश्वविद्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश। विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान में नियोजन और पाठ्यचर्या को पूरा करना, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये जानना बहुत आवश्यक है कि नियोजन क्यों किया जाए, नियोजन का अर्थ क्या है। नियोजन वह कार्य या प्रक्रिया है जो योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। आप जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो ये आवश्यक है कि जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो व्यक्ति उपलब्ध हैं और जो कार्य है उसका समयबद्ध तरीके से हम उपयोग करें ताकि अच्छी प्रकार से हमारा कार्य सफल हो सके। तो नियोजन हमारी योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में सहायता करती है। अब एक विज्ञान शिक्षक के लिए नियोजन की क्या आवश्यकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। वास्तव में नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है पाठ्यचर्या को पूर्ण करने में सहायता करना। पूरी पाठ्यचर्या समयबद्ध तरीके से जब तक हम नियोजन नहीं करेंगे तब तक वो पूरी नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त जो संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो चाहे वो साधनों के रूप में हो, वो सारे संसाधन का उपयोग करना। निर्णय लेने में सुविधा होती है इससे, समन्वय और नियंत्रण में सुविधा होती है। जो विभिन्न तत्व हैं उनमें हम समन्वय कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हमें अपनी पाठ्यचर्या के विकास के अंतर्गत कहीं पे भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है तो हम वो बदलाव कर सकते हैं। जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, हम उन लक्ष्यों को पूर्ण से प्राप्त कर सकें और उनमें कोई अनिश्चितता न रहे, इसलिए भी नियोजन की आवश्यकता होती है और हमारी अनिश्चितता में कमी आती है। अब ये बात जानना आवश्यक है कि नियोजन कितने प्रकार का हो सकता है। नियोजन के बहुत से स्तर होते हैं। हम अपनी पूरी पाठ्यचर्या को दीर्घकालिक योजना में नियोजित कर सकते हैं और साथ ही छोटी छोटी योजनाओं में भी नियोजित कर सकते हैं। एक उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम दीर्घकालिक योजना की बात करते हैं कि एक विज्ञान का शिक्षक पूरे पाठ्यक्रम को पूरे वर्ष पर्यंत किस प्रकार से नियोजित कर सकता है, और ऐसी योजना जो पूरे वर्ष पर्यंत चलती है उसे हम वार्षिक योजना कहते हैं। संपूर्ण पाठ्यचर्या की वार्षिक योजना बनाई जाती है जिसमें पाठ्यचर्या को विभिन्न इकाइयों में विभक्त करके वर्ष पर्यंत होने वाली शिक्षक अधिगम प्रक्रियाओं का नियोजन किया जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो पूर्ण पाठ्यचर्या है उसको हम छोटे छोटे खंडों में विभक्त करते हैं और हर एक खंड में इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस खंड में क्या अधिगम गतिविधियाँ होंगी, कौन से कालांश सम्मिलित होंगे, कौन से विषय सम्मिलित होंगे, कौन से इकाइयाँ सम्मिलित होंगी और उन इकाइयों में कौन सी उप इकाइयाँ सम्मिलित होंगी, हर एक माह में क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं होंगी, इसकी योजना हम वार्षिक योजना में बना लेते हैं। आप इस चीज़ को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक वार्षिक योजना का प्रारूप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस प्रारूप में सबसे ऊपर हमने वार्षिक योजना के विषय में लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे ऊपर शिक्षक का नाम यानी आपका नाम, कौन सी कक्षा है जिसे आप पढ़ाने जा रहे हैं, उस कक्षा में कौन सा विषय है, इसकी चर्चा यहाँ पे होगी। और उस वार्षिक योजना में हम क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न इकाइयों की चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए यदि प्रथम इकाई है तो उसकी बहुत सारी उप इकाइयाँ हो सकती हैं। हर एक उप इकाई के लिए अलग अलग कालांशों की योजना एक विज्ञान का शिक्षक बनाता है। उदाहरण के लिए यदि एक इकाई जो विज्ञान के किसी भी विषय से संबंधित है उसकी कुछ उप इकाइयाँ हैं, उदाहरण के लिए बल एक इकाई है और उसकी उप इकाइयाँ बल की परिभाषा, बल के प्रकार या बल के उदाहरण हैं, तो हमें एक विज्ञान शिक्षक के रूप में ये निश्चित करना होगा कि जो कालांश पूरे वर्ष पर्यंत चलने वाले हैं उसमें से कितने कालांश हैं जो शिक्षण से संबंधित हैं, कितने कालांश हैं जो पुनरावृत्ति से संबंधित हैं, कितने कालांश हैं जो मूल्यांकन से संबंधित हैं और वो संपूर्ण कालांश किस माह में उनका उपयोग किया जाएगा, किस माह में उन कालांशों
के माध्यम में से शिक्षण किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हमने जुलाई माह के लिए कुल 16 कालांशों की व्यवस्था की है तो एक उप इकाई में 3 शिक्षण, 2 पुनरावृत्त के कालांश, 2 मूल्यांकन के कालांश, दूसरी उप इकाई में 3 शिक्षण के कालांश, 3 पुनरावृत्ति के, 1 मूल्यांकन के, और इस प्रकार पूर्णतः 16 कालांशों की व्यवस्था जुलाई माह में है, जिसमें विज्ञान का शिक्षक अपने विभिन्न जो तथ्य है वो विद्यार्थियों को समझाता है। और क्योंकि ये पूरे वर्ष पर्यंत हम इसकी योजना वर्ष के प्रारंभ में ही बना लेते हैं, इसलिए इस प्रकार की योजना को हम वार्षिक योजना कहते हैं। यह एक दीर्घकालिक योजना है। प्रत्येक विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप कार्य कर रहे हों या जिस विद्यालय में आप कार्य करेंगे, आपसे ये अपेक्षा की जाएगी कि पूरे वर्ष पर्यंत विभिन्न विषयों की आप वार्षिक योजना बनाएं। विज्ञान शिक्षक के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान शिक्षक को बहुत सारी चीज़ें सैद्धांतिक रूप में बतानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको करके दिखानी होती हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ करनी होती हैं। तो ये आवश्यक है कि पूरी पाठ्यचर्या का इस प्रकार नियोजन करें कि वो पाठ्यचर्या संपूर्ण हो सके और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। ये तो बात हुई दीर्घकालिक योजना की। अब हम बात करते हैं कि लघुकालिक योजनाएं कौन सी हैं। लघुकालिक योजनाओं में 2 योजनाएं हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, एक इकाई योजना और दूसरी पाठ योजना। इकाई योजना के संदर्भ में बहुत सारे लोगों को कुछ भ्रांतियाँ होती हैं। इकाई न तो कोई विषय वस्तु का खंड है, न ही एक स्वतंत्र पाठ है। कई लोग समझते हैं कि एक विषय खंड एक इकाई होगी या एक पाठ एक इकाई होगी। वास्तव में इकाई प्रसंग पर आधारित कुछ पाठों की योजना है जिसमें बहुत से पाठ सम्मिलित होते हैं। हर एक इकाई को विभिन्न उप इकाइयों में विभक्त किया जाता है और उनके लिए योजना बनाई जाती है। अगर हम इकाई योजना को परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए शैक्षिक सिद्धांतों पर आधारित कुछ कालांशों तक चलने वाला योजना को इकाई योजना कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि छात्र का व्यवहार जो इकाई के प्रारंभ में था उससे भिन्न होगा इकाई के उपरांत, और जैसे जैसे पूरी इकाई जो कि विभिन्न कालांशों तक वितरित है वो पूरी होगी तो छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो जाएगा। हर एक इकाई में बहुत सारे पाठ सम्मिलित होते हैं। इकाई योजना को पूरी तरह से समझने के लिए हम इकाई योजना के एक प्रारूप पर चर्चा करते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इकाई योजना के प्रारूप जब भी आप बनाएंगे तो ये वैसे ही होता है जैसे वार्षिक योजना होती है, लेकिन इसमें शिक्षक का नाम, कक्षा, विषय, इकाई के अतिरिक्त इसमें हर एक उप इकाई का विषय वस्तु विश्लेषण किया जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण का अर्थ ये है कि इस उप इकाई में हम विद्यार्थी को किन किन चीज़ों की जानकारी देने वाले हैं। उदाहरण के लिए हम उन्हें कोई संप्रत्यय बताने वाले हैं, कोई तथ्य बताने वाले हैं, कोई सूचना देने वाले हैं, कोई परिभाषा बताने वाले हैं, तो उस विषय वस्तु को हम छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लेते हैं और हर एक विषय वस्तु के जो प्रस्तुतिकरण होता है उसके पीछे कुछ अधिगम उद्देश्य होते हैं। उदाहरण के लिए जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है जिसमें हम अधिगम उद्देश्यों की चर्चा करते हैं, उसके अनुसार स्मरण, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिवृत्ति इत्यादि अधिगम उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। इकाई योजना में हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि किस विषय वस्तु से के प्रस्तुतिकरण से हम अपना कौन सा अधिगम उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि हमने कोई तथ्य बताया है, हमने कोई परिभाषा बताई है, तो हम विद्यार्थी से ये अपेक्षा करते हैं कि वो उनका स्मरण करेगा, उनको समझेगा और अपने विभिन्न जो क्रियाकलाप है उसमें उसका अनुप्रयोग करेगा। विज्ञान में एक ऐसा विषय है विज्ञान जिसमें बहुत सारे कौशल होते हैं जो सीखने होते हैं, तो उस विषय वस्तु में कौन सा कौशल है जो उसे सिखाया जा रहा है, उसके अभिवृत्ति में, उसकी सोच में क्या बदलाव हो रहे हैं, वो कितना वैज्ञानिक प्रवृत्ति उसके अंदर विकसित हो रही है। इकाई योजना में इनके अतिरिक्त हम
जो विभिन्न शिक्षण अधिनियम गतिविधियां होती हैं उनकी योजना भी प्रारंभ में ही बना लेते हैं। जैसे क्या हम कहीं पे भ्रमण पे ले जाएंगे, या हम उनको जांच के लिए कुछ देंगे, या उनको हम ऐसी कोई गतिविधि दिखाएंगे जिसमें विद्यार्थी अवलोकन करें और सीखें। इस प्रकार पूरे इकाई के प्रस्तुतिकरण में जिन जिन गतिविधियों की आवश्यकता होती है हम प्रारंभ में ही उनकी योजना बना लेते हैं, और इसके उपरांत उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा इसकी योजना भी बना लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपने कोई विषय इकाई के माध्यम से पढ़ाया है तो उन विषयों के मूल्यांकन के लिए क्या आप मौखिक परीक्षा लेंगे या दीर्घ, लघु उत्तरी या बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से उसका मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि इकाई योजना में हम विद्यार्थी के व्यवहार में जो अपेक्षित परिवर्तन होने वाले हैं उनकी चर्चा करते हैं, तो यह जानने का प्रयास करते हैं कि मूल्यांकन के माध्यम से उन व्यवहार परिवर्तनों में क्या उपलब्धि हुई और एक शिक्षक के रूप में हम कितने सफल हुए। तो ये एक लघुकालिक योजना का उदाहरण था। मैंने आपसे ये बात पहले भी कही कि जो इकाई योजना है उसका प्रारूप हम बनाएंगे और बनाने के उपरांत हम विभिन्न प्रकार के जो खंड हैं उनको लिखेंगे। अब हम बात करेंगे पाठ योजना की। पाठ योजना आप सब इससे बहुत परिचित होंगे क्योंकि इसकी चर्चा आप अक्सर सुनते रहते होंगे। पाठ योजना वास्तव में एक कालांश में प्रस्तुत की जाती है। आप किस विद्यालय में हैं इस पर निर्भर करेगा कि उस कालांश की समयावधि कितनी हो। ये 30 मिनट भी हो सकती है, 40 मिनट भी हो सकती है, 45 मिनट भी हो सकती है, कहीं कहीं 50 मिनट भी हो सकती है। तो एक शिक्षक के रूप में, एक विज्ञान का शिक्षक यह निश्चित कर लेता है कि हम इस पाठ में इतने मिनट में कितनी सामग्री प्रस्तुत करेंगे, कैसे प्रस्तुत करेंगे, क्या विधि होगी, क्या सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी। यह सब कुछ हम एक पाठ योजना में निश्चित करते हैं कि एक कालांश में हम कितनी सामग्री प्रस्तुत करेंगे। वास्तव में पाठ योजना एक विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें अधिगम के अपेक्षित प्रतिफल, प्रस्तावित शिक्षण अधिगम समूहों, गतिविधियों और मूल्यांकन की प्रविधियों का नियोजन किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि हम जब भी पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो उस पाठ योजना में हम ये निर्धारित करते हैं कि इस पाठ योजना के उपरांत विद्यार्थी को क्या प्रतिफल प्राप्त होंगे। वो प्रतिफल ऐसे होने चाहिए जिनका मूल्यांकन हम पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण के उपरांत कर सकें। हम इस बात का भी प्रस्ताव करते हैं कि हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। बहुत सारी विधियां हैं विज्ञान में, तो वो विधियां और उन विधियों में सम्मिलित कौन कौन से समूह हैं जिनका हम उपयोग अपनी पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में करते हैं। और एक विज्ञान का शिक्षक विभिन्न गतिविधियों की भी योजना पहले से बना लेता है। उदाहरण के लिए यदि वो किसी ऐसे जीव विज्ञान से संबंधित किसी पौधे की चर्चा कर रहा है तो क्या उस पौधे के पत्तियों को के जो उस पत्तियों के पौधे उस पौधे के जो फूल हैं इन सभी के जो अंग हैं उनको ध्यान से देखना, उनके बारे में लिखना एक गतिविधि हो सकती है, या किसी उद्यान में ले जाना या ऐसे पौधों को दिखाना एक गतिविधि हो सकती है। तो इस प्रकार विभिन्न गतिविधियों की योजना भी हम पाठ योजना में पहले से बना लेते हैं, और हम अपनी पाठ योजना प्रस्तुत करने के उपरांत मूल्यांकन कैसे करेंगे इसका भी विस्तृत विवरण होता है। आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि इकाई योजना में भी हम ये काम करते हैं, वार्षिक योजना में भी ये करते हैं, तो ये कैसे भिन्न है। पाठ योजना भिन्न इस अर्थ में है क्योंकि पाठ योजना 30 से 40 मिनट के कालांश में प्रस्तुत की जा रही है, और इसमें जो भी हम मूल्यांकन करते हैं, जो भी हम गतिविधियां बताते हैं वो बहुत ही विस्तृत होती हैं। एक एक गतिविधि का विस्तृत रूप से वर्णन पाठ योजना में होना चाहिए क्योंकि शिक्षक को वो एक कालांश में प्रस्तुत करनी होती हैं और वो इसका उपयोग करके अपने समय की और अपने श्रम की बचत कर सकता है, और साथ में एक उस अपने जो ज्ञान वो विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहता है, जो व्यवहार परिवर्तन उनमें देखना चाहता है उसको पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करेंगे इस बात की कि इन तीनों में सहसंबंध क्या है, इन तीनों के मध्य किस प्रकार का संबंध है। जैसा कि हमने चर्चा की,
वार्षिक योजना एक दीर्घकालिक योजना है, और दीर्घकालिक जो योजनाएं होती हैं वो बहुत लंबे समय के लिए होती हैं और ये व्यापक होती हैं, उसमें हम बहुत विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते। अधिकांश जो बातें वार्षिक योजना में कही जाती हैं वो अनुमान के आधार पर होती हैं, और क्योंकि वो पूरे माह जितने भी माह वर्ष में होते हैं हर माह का लेखा जोखा होता है, तो उन माह में किन किन दिनों में छुट्टियां हैं, किन किन दिनों में कौन सी गतिविधियां हैं, उनका ध्यान रखते हुए हम वार्षिक योजना बनाते हैं, ताकि हम जिस पाठचर्या को पूरा करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस पाठचर्या को समय पर पूरा किया जा सके और वो पाठचर्या का प्रस्तुतिकरण अपने अपेक्षित उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इकाई योजना वार्षिक योजना का एक अंश माना जाएगा, क्योंकि एक वार्षिक योजना में बहुत सारी इकाई योजनाएं बनाई जा सकती हैं। जितनी भी इकाइयां हैं सभी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण मिलाकर एक वार्षिक योजना का रूप बनता है, और हर एक इकाई में बहुत सारी उप इकाइयां होती हैं। मैंने पहले भी चर्चा की कि हर एक उप इकाई में बहुत सारे विषय वस्तु होता है, उनका विश्लेषण करना होता है, तो हर एक उप इकाई के अंदर हम कितना विषय वस्तु लें कि जो एक कालांश में पूरा हो जाए वह पाठ योजना का हिस्सा बनता है। इस प्रकार बहुत सारी पाठ योजनाएं मिलकर एक इकाई योजना का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार विभिन्न जो पाठ योजनाएं हैं उससे इकाई योजना बनती है, और इसी तरह से बहुत सारी इकाई योजनाएं मिलकर एक वार्षिक योजना का प्रारूप बनती हैं। वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना के सहसंबंध को हम एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें ये जो चित्र है इसमें आप देख रहे हैं कि जो पाठ योजना है वो सबसे अंदर है, उसके उपरांत इकाई योजना है, और सबसे बाहरी जो गोला है उसमें वार्षिक योजना है। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में क्या सहसंबंध है। अब हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि ये जो पाठचर्या है जिसको हम पूरा करने की बात कर रहे हैं वो है क्या, और पाठचर्या और पाठ्यक्रम इन दोनों में अंतर है या नहीं है। आपको एक बात समझना होगा कि पाठचर्या एक बहुत ही व्यापक शब्द है। इसमें पाठचर्या को हम विभिन्न अर्थों में समझ सकते हैं। पाठचर्या हम विषय वस्तु को भी कह सकते हैं। बहुत सारी जो विषय वस्तु होती है जिसमें हम जिसका हमें पाठ योजना बनाना है, चाहे वो इकाई योजना बनाना हो चाहे वार्षिक योजना बनाना हो, तो पूरी विषय वस्तु भी पाठचर्या का हिस्सा है। लेकिन मात्र विषय वस्तु ही पाठचर्या नहीं है, पाठचर्या परिणाम होती है विभिन्न शोधों का, विभिन्न प्रकार की अपेक्षित जो व्यवहार परिवर्तन है उसके लिए हमें जो गतिविधियाँ करनी है उनका, और जो हमें विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि मिलती है, जो हमें बहुत सारे जो विद्वान हैं उनसे हमें जो जानकारी मिलती है कि किस स्तर के लिए कौन सी विषय वस्तु उपयुक्त है, इन सारी गतिविधियों का परिणाम ही पाठचर्या होता है। और पाठचर्या एक प्रक्रिया भी है, क्योंकि इस प्रक्रिया में हम जो विद्यार्थी है उसके अंदर व्यवहार में होने वाले अपेक्षित परिवर्तन की चर्चा करते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है इसमें पूरे वर्ष पर्यंत उस पाठचर्या को संपूर्ण करने के लिए जो भी गतिविधियाँ करनी हैं वो इसमें सम्मिलित होती हैं। वो गतिविधियाँ शिक्षण अधिगम की भी हो सकती हैं और पाठ्य सहगामी भी हो सकती हैं। शिक्षण अधिगम का अर्थ यह है कि जब शिक्षक किसी पाठ योजना को प्रस्तुत कर रहा है वो किसी कालांश में, तो उस कालांश में वो कौन सी विषय वस्तु पढ़ा रहा है, कौन सा प्रतिमान प्रयोग कर रहा है, कौन सी सहायक सामग्री प्रयोग कर रहा है, कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है, और कौन से कौशल का प्रयोग कर रहा है। जैसे बहुत सारे कौशल होते हैं, उदाहरण के लिए प्रश्नीकरण कौशल, उदाहरण कौशल, व्याख्या कौशल, तो वो अपनी शिक्षण अधिगम गतिविधियों को किस तरह से संचालित करता है वो पाठचर्या का हिस्सा होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो गतिविधियाँ कक्षा में नहीं होती या कक्षा में होती हैं लेकिन वो विषय वस्तु से सीधे संबंधित नहीं होती, और जिन्हें हम पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ कहते हैं, पहले इन्हें हम पाठ्येतर गतिविधियाँ कहते थे लेकिन अब इसे हम पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ कहते हैं, क्योंकि ये पाठ्यचर्या को समझाने में सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए यदि आपने किसी नाटक का मंचन करवाया विद्यार्थियों से, या कोई ऐसी गतिविधि कराई जिसमें विद्यार्थी खेल के माध्यम से कुछ
विषय वस्तु समझते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसा कुछ उनको कार्य दिया कि जो एक दूसरे के साथ मिलकर वो उस कार्य को पूरा करते हैं, तो वो जो हिस्सा है वो भी पाठचर्या का हिस्सा है। इसीलिए हम कहते हैं कि पाठचर्या एक व्यापक संकल्पना है। जबकि जो हम दूसरी बात कर रहे हैं जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं, पाठ्यक्रम का जो अर्थ है वो थोड़ा सा संकुचित है। पाठ्यचर्या का हिस्सा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में हम किसी कक्षा के जो विभिन्न विषय हैं, निर्धारित विषय, उनका संग्रह करते हैं। पाठचर्या एक व्यापक शब्द है जिसमें संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया और पाठ्यक्रमिक गतिविधियाँ होती हैं, जबकि पाठ्यक्रम में किसी कक्षा के लिए निर्धारित विषयों का संग्रह होता है। तो अब ये बात समझने की है कि एक विज्ञान शिक्षक को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे वो अपनी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को नियोजित कर सके और साथ ही साथ वो अपने पाठ्यक्रम को, अपने पाठ्यचर्या को समय पर पूरा कर सके। हमने आज जो कुछ भी सीखा उसको हम पुनरावृत्ति करने का प्रयास करते हैं। हमने ये जाना कि जो भी शिक्षण करना है उसके लिए नियोजन करना आवश्यक है, तभी हम विभिन्न जो संसाधन हैं, जो व्यक्ति हैं और जो पाठ्यचर्या है उसका पूरी तरह से उपयोग कर पाएंगे। हमने ये सीखा कि जो नियोजन है वो दीर्घकालिक भी होता है, वो लघुकालिक भी होता है। दीर्घकालिक नियोजन का उदाहरण हमने वार्षिक योजना के रूप में लिया, लघुकालिक नियोजन का उदाहरण हमने इकाई योजना और पाठ योजना के रूप में लिया। इसके साथ ही हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि इनके प्रारूप क्या हैं और इनको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, और साथ ही साथ पाठ्यचर्या को पूरा करने के लिए हम इस नियोजन का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हमने पाठ्यचर्या के अर्थ को समझने का प्रयास किया और ये भी जानने का प्रयास किया कि पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में क्या संबंध है। पाठ्यचर्या व्यापक है जबकि पाठ्यक्रम विषयों का संग्रह है और वो पाठ्यचर्या का हिस्सा होती है। मुझे इस बात को कहने में विश्वास है, इस बात का विश्वास है कि एक विज्ञान शिक्षक पाठचर्या का नियोजन इस प्रकार करता है कि विद्यार्थियों में न सिर्फ ज्ञान और कौशल अपितु तो उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास हो। इसीलिए पाठचर्या को पूरा करते समय उन सभी पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है जिसकी चर्चा इस पाठ में की गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।